लिंग के बारे में, लिंग किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों मन के तौर पर मैं बोल रहा हूं लड़का खेल रहा है, बच्चों लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं लड़की खेल रही है, लड़की क्या कर रही है, लड़की भी खेल रही है। लेकिन देखो बच्चों खेल रहा है, खेल रही है, इन शब्दों से क्या पता चल रहा है कि लड़का शब्द है ये किसी पुरुष जाति का है और लड़की शब्द है ये किसी स्त्री जाति की। ठीक है, ये पुरुष और स्त्री जाति ये क्या होते हैं, इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग। ठीक है, तो आइयो बच्चों आज हम लिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं बच्चों, सवर के जिस रूप से हमें स्त्री और पुरुष, किसका स्त्री और पुरुष होने का बोध हो, होने का बोध हो मतलब पता चले उसे लिंग कहते हैं। ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, चाहे वो जीवित चीजें हैं चाहे निर्जीव चीजें, क्योंकि हिंदी में हर शब्द या तो पुरुष जाति का होता है या तो स्त्री जाति का होता है। ओके, अब आगे आ जाओ बच्चों, जैसे मैं बोला हूं लड़का लड़की, ठीक है लड़का हो गया पुरुष जाति का, लड़की होगी स्त्री जाति। ठीक है, अब आ जाओ इसके प्रकार, लिंग जो है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो बच्चों लिंग जो है दो प्रकार का, कौन सा, पुलिंग स्त्रीलिंग। जैसा आपने ग्रामर में नेत्र पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर में, उसी को हिंदी में लिंग, जैसे मेल और फीमेल होता है वैसे हिंदी में पुलिंग और स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और सबसे पहले हम पता मानते हैं कि ये पुलिंग जी पुलिंग है ये क्या है। तो पुलिंग क्या होता है बच्चों, सवर के इस रूप से हमें उस जाति का हो, उस जाति का हो उसे पुलिंग कहते हैं। जैसे राजा, राजा सबसे उत्तर देता है कि उस जाति का है। जैसे लड़का, लड़का सबसे उत्तर देता है कि उस जाति का है। जैसे शेर, शेर सबसे उत्तर देता है कि उस जाति का है। ठीक है, क्लियर, ओके। जैसे लड़का, शेर, राजा, इन शब्दों से पता चलता है कि पुलिंग है, उस जाति के है, इसी में पुलिंग कहा जाए। तो पुलिंग किसे कहते हैं बच्चों, जो सवर उस जाति का बोध करते हैं उन्हें पुलिंग कहते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो हमेशा पुलिंग रहते हैं, वो स्त्रीलिंग में बदलते नहीं है। जैसे नित्य पुलिंग सवर, लगातार बदलते नहीं, ऐसे पुलिंग सवर हिंदी। जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। जैसे दिनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। जैसे देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, कनेडा आदि। जैसे शहरों के नाम सिमोगा, जीरा, मिस्र, लंदन आदि। ठीक है, समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। जैसे पर्वतों के नाम हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत आदि। ग्रहों के नाम जैसे सूर्य ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह आदि। और धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि। ये सारे शब्द हैं ये हमेशा पुलिंग रहते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं बदलते हैं। इस बात का आपने खास तौर पर विशेष तौर पर ध्यान रखना। ओके, ये हो गया आपका पुलिंग। अब दूसरा भाग है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है बच्चों, इसके विपरीत उनका सवर के जिस रूप से
स्त्री जाति का पदार्थ है। किसका बच्चों? स्त्री जाति का पदार्थ से स्त्री कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की से पता चलता है, लड़की सबसे पता चला है स्त्री जाति की, ठीक है। जैसे शेरनी, शेरनी सबसे पता चला है स्त्री जाति की है। जैसे रानी, रानी सबसे पता चलता है बच्चों स्त्री जाति की है, ठीक है, ठीक है। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले सब स्त्री कहलाते हैं। बोध कराने वाले, ज्ञान कराने वाले, पता कराने वाले सब जो है स्त्री कहलाते हैं, ओके। अब स्त्री में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो जैसा स्त्री शब्द रहते हैं वो पुल्लिंग में बदलते नहीं हैं। जैसे नित्या स्त्री सब भाषाओं के नाम, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया आदि। जैसे लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी हो गया, गुरमुखी हो गया, रोमन हो गया आदि। जैसे तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, जैसे 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 मार्च आदि। नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज आदि। और ऋतुओं के नाम, जैसे गर्मी ऋतु, सर्दी, सर्द ऋतु, बरसात की ऋतु आदि। ये सारे जो होते हैं, ये शब्द जो है हमेशा, इससे संबंधित शब्द जो है हमेशा जो है स्त्रीलिंग में रहते हैं, ठीक है। ये भी समझा गया था तुम सबको बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज हमने लिंग और लिंग के प्रकारों के बारे में पढ़ा। तो लिंग किसे कहते हैं? शब्द के इस रूप से हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार हैं।